हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ क्लास 6 ऑफ साइंस सब्जेक्ट। टुडे आई एम गोइंग ओवर ए ब्रीफ ट्यूटोरियल ऑफ योर 6th लेसन इन साइंस, चेंजेस अराउंड अस, यानी हमारे चारों ओर का होता परिवर्तन। एवरीथिंग इन द नेचर अंडरगोज ए चेंज, प्रकृति में सभी चीजों में कुछ न कुछ परिवर्तन होता रहता है। चेंजेस हैपन अराउंड अस एंड ऑल्सो विद इन अस, ये परिवर्तन हमारे चारों ओर भी होते हैं और हमारे अंदर भी होते हैं। सम कॉमन चेंजेज आर चेंजेज इन वेदर, मौसम का परिवर्तन, कुकिंग ऑफ फूड, भोजन का पकना, ग्रोथ ऑफ बॉडी, नेल्स, हेयर्स, एटीसी, यानी हमारे शरीर का वृद्धि होना, नाखून और बाल बढ़ना, ये सभी परिवर्तन हमारे शरीर के अंदर होते हैं। एंड द नेक्स्ट इफेक्ट ऑफ चेंजेज, यानी परिवर्तन के प्रभाव। ऑल द चेंजेज हेल्प अस टू अंडरस्टैंड इट्स काउज एंड इफेक्ट, ये सारे परिवर्तन हमें यह समझने में मदद करते हैं कि इसके कारण क्या है और इसका प्रभाव क्या है। दीज इफेक्ट्स अपीयर इन, और ये प्रभाव हमें इस रूप में दिखाई पड़ते हैं, चेंजेस इन शेप एंड साइज, उसके आकार और माप में परिवर्तन, चेंजेस इन पोजिशन एंड स्टेट, किसी भी वस्तु की स्थिति और अवस्था में परिवर्तन, चेंजेस इन कलर एंड टेस्ट, रंग और स्वाद में परिवर्तन, चेंजेज इन इंटरनल स्ट्रक्चर और आंतरिक बनावट में परिवर्तन। एंड द नेक्स्ट टाइप्स ऑफ चेंजेज, परिवर्तन के प्रकार। परिवर्तन कई प्रकार के होते हैं, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंज, यानी उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय परिवर्तन, स्लो एंड फास्ट चेंज, मंद और तीव्र परिवर्तन, फिजिकल एंड केमिकल चेंज, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। एंड द नेक्स्ट इज रिवर्सिबल चेंज, ए चेंज इन विच द इनिशियल सब्सटेंस कैन बी ऑब्टेन बैक बाय रिवर्स इजिली, ऐसा परिवर्तन जिसमें प्रारंभिक अवस्था में जो पदार्थ होते हैं पुनः उन्हें उसी रूप में हम आसानी से प्राप्त कर सकें। इन रिवर्सिबल चेंजेस द इंटरनल स्ट्रक्चर एंड केमिकल कंपोजिशन डू नॉट चेंज। रिवर्सिबल चेंज में आंतरिक संरचना और उसके रासायनिक संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता, सिर्फ उसके आकार या रूप में परिवर्तन हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल होल्डिंग ऑफ पेपर, कागज को मोड़ने से कागज में कोई परिवर्तन नहीं होता, सिर्फ उसका आकार बदल जाता है। मोल्टन वैक्स बिकम सॉलिड, पिघला हुआ मोम फिर से सॉलिड बन सकता है। डिजॉल्विंग सुगर इन वाटर, पानी में चीनी घोलने से फिर से हम चीनी को पानी को सुखा कर प्राप्त कर सकते हैं। आइस टर्न्स इनटू वाटर, बर्फ पानी में बदल जाता है और फिर अगर उसे हम जमने को फ्रिज में डाल दें तो वो फिर से बर्फ के रूप में, आइस के रूप में हमें प्राप्त हो सकता है। एंड द नेक्स्ट इज इरिवर्सिबल चेंज, यानी अनुत्क्रमणीय परिवर्तन। ए चेंज इन विच द इनिशियल सब्सटेंस कैनॉट बी ऑब्टेन बैक बाय रिवर्सिंग द एक्शन, ऐसा परिवर्तन जिसमें प्रारंभिक पदार्थ पुनः उसकी क्रिया को उल्टा करके हम वापस प्राप्त नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल बर्निंग ऑफ वुड, लकड़ी का जलना, अब लकड़ी को अगर हम जलना बंद कर दें तो फिर से हमें लकड़ी प्राप्त नहीं होगी। आयरन रस्ट, लोहे में जंग लगना, एंड द शार्पनिंग ऑफ पेंसिल, पेंसिल को छीलना, ये सभी इरिवर्सिबल चेंज के एग्जाम्पल हैं। एंड द नेक्स्ट फास्ट चेंज, यानी तीव्र परिवर्तन। सम चेंजेज अकर वेरी फास्ट, कुछ परिवर्तन बहुत तेजी से होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ब्रस्टिंग ऑफ क्रैकर्स, यानी पटाखों का फोड़ना, लाइटनिंग ऑफ ए बल्ब, बल्ब का जलना, बर्निंग ऑफ मैच स्टिक्स इटीसी, माचिस की तीलियों का जलना, ये सभी फास्ट चेंज के एग्जाम्पल हैं। एंड द नेक्स्ट स्लो चेंज, यानी मंद परिवर्तन। सम चेंजेस टेक प्लेस वेरी स्लोली, कुछ परिवर्तन बहुत धीरे धीरे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ए बेबी ग्रोज इंटू एन एडल्ट, एक बच्चा वयस्क के रूप में धीरे धीरे बढ़ता है। रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे में जंग लगने की प्रक्रिया भी काफी स्लो होती है। मिल्क चेंजेज इनटू कर्ड, दूध का दही में परिवर्तन। एंड द नेक्स्ट फिजिकल चेंज, यानी भौतिक परिवर्तन। चेंजेज इन विच फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक शेप, साइज एंड स्टेट चेंज, ऐसा परिवर्तन जिसमें उसके भौतिक गुणों में परिवर्तन, यानी आकार में, माप में या अवस्था में परिवर्तन का जो चेंज होता है इसे फिजिकल चेंज कहते हैं। दीज चेंजेज आर समटाइम रिवर्सिबल, और ये परिवर्तन कभी कभी रिवर्सिबल होते हैं, यानी पहले की अवस्था वाले पदार्थ को, इनिशियल सब्सटेंस को प्राप्त कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल फ्रीजिंग ऑफ जूस, जूस का जमना,
मेल्टिंग ऑफ बटर, मक्खन का पिघलना, एंड द नेक्स्ट इज केमिकल चेंज. केमिकल चेंज यानी रासायनिक परिवर्तन, परमानेंट चेंज इन विच सब्सटेंस इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू न्यू सब्सटेंस. ऐसा अस्थाई परिवर्तन जिसमें कोई भी पदार्थ एक नए पदार्थ में बिल्कुल बदल जाता है विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज, और उसके गुण भी अलग अलग हो जाते हैं जो इनिशियल सब्सटेंस से भिन्न होते हैं. केमिकल चेंज इज ऑलवेज इरिवर्सिबल, और रासायनिक परिवर्तन हमेशा इरिवर्सिबल या अनुत्क्रमणीय होते हैं, यानी उन्हें पुनः इनिशियल सब्सटेंस में नहीं बदला जा सकता. फॉर एग्जाम्पल, बर्निंग ऑफ मैचस्टिक, माचिस की तीली का जलना, टोस्टिंग ऑफ ब्रेड, ब्रेड को सेकना, आयरन रस्ट, लोहे में जंग लगना आदि. एंड द नेक्स्ट, वेज बाय विच चेंजेस अकर, वे तरीके जिनके द्वारा परिवर्तन होता है, तो दे आर चेंजेस काउज्ड बाय टेम्परेचर, तापमान के कारण होने वाले परिवर्तन. दे आर बॉइलिंग, व्हेन ए लिक्विड इज हीटेड एंड चेंज इनटू वेपर इट इज बॉइलिंग पॉइंट. जब किसी द्रव पदार्थ को गर्म किया जाता है तो वो लिक्विड से गैस में बदल जाता है, वेपर के रूप में बदल जाता है, और इस स्थिति में इसे बॉइलिंग पॉइंट भी कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, वाटर चेंजेज इट्स स्टेट इंटू वाटर वेपर, जब पानी को गर्म करते हैं तो यह वाटर वेपर जलवाष्प में बदल जाता है. एंड द नेक्स्ट चेंज इज कॉन्डेंसेशन यानी संघनन, व्हेन वेपर इज कूल्ड इट्स चेंज इंटू लिक्विड इज कॉन्डेंसेशन, जब किसी चीज वाष्प को ठंडा किया जाता है तो यह पुनः द्रव में बदल जाता है, इसे कॉन्डेंसेशन या संघनन कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, वाटर वेपर चेंज्ड इन वाटर आफ्टर कूलिंग, जलवाष्प को यदि ठंडा कर दिया जाए तो वह पुनः जल या पानी में परिवर्तित हो जाता है. एंड द नेक्स्ट, एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मटेरियल यानी पदार्थों का प्रसार और संकुचन, प्रसार एक्सपेंशन यानी फैलना. हीटिंग काउज एक्सपेंशन इन मटेरियल्स, किसी भी पदार्थ को गर्म करने से उसमें प्रसार या फैलाव होता है. कूलिंग काउजेज कॉन्ट्रैक्शन इन ए मटेरियल, और जब किसी पदार्थ को ठंडा किया जाता है तो उसमें संकुचन होता है या वो सिकुड़ता है. सॉलिड एक्सपैंड लीस्ट, गैसेज एक्सपैंड मोर देन लिक्विड्स, सॉलिड सबसे कम, सॉलिड में यानी ठोस में सबसे कम फैलाव होता है, और गैसों में लिक्विड की अपेक्षा ज्यादा फैलाव होता है. मर्क्यूरी ए लिक्विड मेटल एक्सपैंड ए लॉट ऑन हीटिंग, मर्करी यानी पारा एक ऐसा द्रव धातु है जो गर्म होने पर बहुत ज्यादा फैलता है, और उसके इसी गुण के कारण इसका उपयोग थर्मामीटर में किया जाता है. एंड द नेक्स्ट, फ्रीजिंग द प्रोसेस इन विच ए लिक्विड टर्न्स इनटू सॉलिड व्हेन इट्स टेम्परेचर इज लोअर्ड, ऐसी प्रक्रिया जिसमें किसी द्रव पदार्थ को टेम्परेचर को अगर कम कर दिया जाए तो वह जम जाता है. फॉर एग्जाम्पल, वाटर चेंजेज इंटू आइस, जब पानी को फ्रीजिंग करते हैं यानी उसे फ्रिज में रख देते हैं तो यह बर्फ में बदल जाता है और सॉलिड हो जाता है, यानी इसका स्टेट चेंज हो जाता है. मेल्टिंग द प्रोसेस इन विच ए सॉलिड कन्वर्ट टू ए लिक्विड बाई अप्लाइंग हीट, वह प्रक्रिया जिसमें किसी सॉलिड को गर्म करने के बाद वह लिक्विड के रूप में पिघल जाता है जब उस पर हम ताप देते हैं या गर्मी देते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आइस चेंजेज इंटू वाटर, बर्फ पानी में बदल जाती है जब उसे गर्म किया जाता है. एंड द नेक्स्ट, चेंजेस काउज्ड बाय प्रेशर, दबाव के कारण होने वाले परिवर्तन. चेंजेस इन शेप एंड साइज, आकार और माप में परिवर्तन. मटेरियल चेंज्ड इनटू डिजायर्ड शेप बाय अप्लाइंग प्रेशर, किसी भी पदार्थ को हम इच्छित आकार में बदल सकते हैं जब उस पर दबाव दिया जाता है, जैसे फ्लोर के डो को यानी गुंधे हुए आटे से हम रोटी का आकार दे सकते हैं, ये प्रेशर के कारण होता है. एंड द नेक्स्ट इज ब्रेकिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स यानी वस्तुओं का टूटना. ब्रिटल सब्सटेंस ब्रेक इट अप्लाइंग प्रेशर, भंगुर पदार्थ यानी जिस पर चोट की जाए तो वो टूट जाए, ऐसे पदार्थ को ब्रिटल सब्सटेंस कहते हैं, और जब इस पर प्रेशर दिया जाता है तो ये टूट सकता है, जैसे किसी लकड़ी पर या बर्फ के टुकड़े पर अगर जोर से अगर हम हैमरिंग करेंगे तो वो टूट जाएगा. एंड द नेक्स्ट, चेंजेस काउज्ड बाय मिक्सिंग, मिलावट के कारण होने वाले परिवर्तन. मेनी फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस टेक्स प्लेस व्हाइल मिक्सिंग ऑफ सब्सटेंसेस, बहुत सारे भौतिक और रासायनिक परिवर्तन
पदार्थों को आपस में मिलाने के कारण भी होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, वेन क्विक लाइम इज मिक्सड विथ वाटर इट कन्वर्टेड इंटू स्लेक लाइम. जब कली चूना को पानी के साथ मिलाया जाता है तो ये स्लेक लाइम यानी बुझा हुआ चूना बन जाता है. एंड दैट्स ऑल अबाउट योर चैप्टर चेंजेस अराउंड अस. दैट्स ऑल. थैंक यू.